अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बना रहे हैं सीख कबाब की रेसिपी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अभी हम चलते हैं रेसिपी की स्टार्ट में। दो मीडियम साइज मैंने प्याज इनको ग्राइंड किया अच्छे से, और इसके अंदर मैं फिर इसमें बाकी जैसे मिर्च है, धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें डालूँगी। अभी टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर अच्छा मैंने इसमें ना एक टमाटर का चौथाई हिस्सा जो इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया। अब ये मैं डालूँगी, पूरा टमाटर नहीं डालना क्योंकि फिर वो सारा जूसी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पुदीना धनिया डाला, सॉरी यहाँ पे मिर्च डालने, दो अदद मिर्च डालें क्योंकि मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है कबाब में। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, ग्राइंड मतलब ज़्यादा भी ग्राइंड नहीं करना क्योंकि फिर कीमे के साथ भी हमें ग्राइंड करना होगा, तो तभी हमें अभी इतना नहीं, नॉर्मली जैसे प्याज थोड़े ना हो जाए सही से अच्छे से। ये पूरा बन गया ऐसे, अब हम इसको पूरे को ना कीमे में डाल के, कीमा मैंने ऑलरेडी मेरे पास बूटियाँ थी मैंने उसको कीमा बना लिया और इसमें अदरक लहसुन पहले ही डाल दिया था। अभी मैं उसके ऊपर सारे मसाले डालूँगी। ये मैंने एक ना 1 टीस्पून मैंने नमक डाला, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च डाली, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डाली क्योंकि मैंने 2 बड़ी मिर्चें डाली थी कि ज़्यादा स्पाइस ना हो। इसमें है ना 1 टीस्पून मैंने ना धनिया पाउडर डाल दिया, और अभी इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे। अभी मैंने काली मिर्च 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली है, यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़ीरा डाला है सफ़ेद ज़ीरा, वो भी मैंने 1 टीस्पून ही डाला है, उसका टेस्ट अच्छा आता है कबाब में। और अभी यहाँ पे हमने इस यहाँ ऊपर से गरम मसाला सॉरी गरम मसाले का पाउडर डाला। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा इसको ना जैसे ना यूँ दबा दबा के मिर्च नहीं कर, सिर्फ ना फिंगर्स की तरीके से, फिंगर्स से ना आप इसको मिक्स करेंगे जैसे पूरा मसाला इसमें मिक्स हो जाए। और मसाला मिक्स होने के बाद इसको थोड़ा सा लेके आप फ्राई करके उसको टेस्ट करके देखोगे कि इसका टेस्ट कैसा आ रहा है, क्योंकि मसाले मैंने अपने हिसाब से डालती हूँ, इसके बाद मैं ना टेस्ट करती हूँ। पर इससे पहले हम इसको थोड़ा और ग्राइंड करेंगे कीमे के साथ। अब कीमे के साथ करेंगे, पहले हमने ना अलग अलग दोनों को किया था, अब हम कीमे के साथ करेंगे इसको थोड़ा सा ग्राइंड। अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही हूँ क्योंकि वो फिर सारा ना फंस जाता है, तो आप भी ऐसे देखें इसका टेक्सचर, देखें कितना अच्छा मतलब इसका बन गया। ये सही से मैंने पूरा निकाल दिया है। अब इसको दूसरे वाले पीस, वो थोड़ा सा रहता है उस पीस को थोड़ा मैं ग्राइंड कर रही हूँ। अच्छा इसके अलावा मैंने ना इसमें एक और चीज़ ऐड की थी जो मैंने वीडियो में नहीं लेकर आई, तो मैंने इसको ग्राइंड करने के बाद जो एक जो हाफ टमाटर का जो हाफ पीस बचा था ना छोटा सा, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके वो ऊपर से डाल के उसको मिक्स कर दिया था मैंने कि वो थोड़ा टेस्ट आए। जैसे फ्राई होते हैं ना टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है कीमे के साथ, जैसे चपली कबाब के ऊपर हम रखते हैं, तो उस हिसाब से उसके बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मैंने फिर किया यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें ना सोडा डाला था, बेकिंग सोडा नहीं मतलब मीठा सोडा जो हम ना उसमें चनों में डालते हैं, तो वो मैंने सोडा थोड़ा सा डाला था, उससे कबाब बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट अंदर से। अब इसके अंदर मैंने मैदा डाल के इसको मिक्स किया अच्छे से। मैदा आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे जितना आपको करना है, जैसे ना इसमें प्याज पानी छोड़ते हैं तो ये मैदा ये काम करता है कि आपके कबाब को मतलब खुलने नहीं देता ना, फ्राई के वक्त खुलने नहीं देता। तो इसको अभी ना मैंने सही से इसमें मैदा डाल के मैं मिक्स करके रख दूँगी। अच्छा मैंने मुझे था कि मैं लंबे लंबे सीख कबाब बनाऊँगी, बट ना देर हो गई थी सारे प्रोसेस में और खाना वगैरह बनाने में, तो मैंने इसको वो किया। देखिए मैंने टमाटर के टुकड़े डाले हैं इसमें, ये सारे मैंने मिक्स करने अच्छे से मिक्स हो गया। अभी इसको थोड़ा सा फ्राई करके टेस्ट करना है, जो भी उसके बाद जो कमी पेशी होगी वो। अभी मुझे मिर्च कम लग रहे थे तो मैंने रेड चिली फ्लेक्स हैं वो मैंने डाले थे, मैं 1 टीस्पून मैंने पूरा इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसका मिक्सचर हो जाए, क्योंकि मैंने इसको हल थोड़ा सा फ्राई करके देखा था तो मुझे मिर्च कम लगे, तो मैंने इसलिए रेड चिली फ्लेक्स इसमें डाल दिए, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था इसमें डालने का। देखें
चलें जी, अब चलते हैं, अब अपने कबाब बनाते हैं। अच्छा, मेरे पास मेरी सीख जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ही पतली थी, तो मैं उसको नहीं यूज़ कर रही, इतनी पतली सीख से बार बार कबाब निकल रहे, तो मैंने ऐसे ही रोल करके हाथ से, देखें इसको मैंने उंगली से ऐसे करके निशान बनाए, और इसको हल्के से तेल में, बिल्कुल हल्का सा घी, जैसे आप देख रहे हो उस पर तवे पे हल्का सा घी डाल के इसको फ्राई कर देना है, और पूरा फ्राई नहीं करना है इसको। मैंने शैलो फ्राई किए क्योंकि मुझे ये फ्रीज़ करने हैं, मुझे अभी नहीं बनाने थे, अभी तो सबने खाना खा लिया है, तो अभी हम इसको ना हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ इसका लुक, क्योंकि मैंने उंगली से इसको दबाया है ना, तो मैं आप इसको ना इसका लुक दिखाऊँगी। देखें अभी वो जैसे मैं चाह रही थी ना प्रॉपर किस्म का ऐसा लुक आया, वो नहीं आया अभी फ़िलहाल। देखें एक मैंने ये बना लिया यहाँ पे, यहाँ पे जैसे अच्छा सा ना इसका लुक आ गया था। इसकी लाइनें थोड़ी डार्क करके हल्का सा इसको ना फ्राई करके, फिर बस इसको हम ठंडा करके फिर हम ना उसमें फ्रीज़ कर देंगे। फिर आप कबाब कढ़ाई जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की उसके साथ करो, या राइस के साथ करो, देखें। चलिए यहाँ पे हमारे कबाब सारे फ्राई हो गए हैं, और मैं आपको आगे चल के मैं इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। यहाँ मैं कैमरा खोल के छोड़ दिया, भूल गई थी। तो चलें जी, आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।